तो दोस्तों आज संडे है तो आज हम माटी बेगने के लिए काम करेंगे। तो और हम काम कर फिर हमें सो दूंगा, सो कर फिर जगूंगा। तो और भैया पबजी खेलेगा तो मांगूंगा एक दो राउंड तो देगा भैया। और खेल कर फिर मम्मी भी कुछ कहेंगी तो मम्मी का भी जाऊंगा। तो दोस्तों ये जो माटी है इसको हम इसको उठा कर ना अपने कोचिंग के मतलब रूम में फेंकेंगे। इसको दिखाएंगे कैसे फेंकनी मट्टी। इसको पूरा ये ना ये वाला मट्टी इसको सारा कोड़ना है, सारा कोड़ कर और ये यहाँ से लेकर वहाँ से कुछ कोने से लेकर और वहाँ तक वो है ना वो लकड़ी वहाँ तक सारा कोड़ना भैया। तो आज ही भर में सारा हो जाएगा आज ही भर में। अब जो बोल रहे उसको करना ही पड़ेगा मेरे चाचा जी, तो उनका आगे पालन करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो डांट खाएंगे पापा कर लेंगे, पापा लड़का ऐसे ऐसे नहीं करना मेरा काम, तो इसीलिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों आप दिखाइए कैसे हम करते है काम, आइए देखते हैं। उतना था तो हम लोगों ने खाली कर दिया, अब ये बचा हुआ है तो ये भी हो ही चला है। इधर थोड़ा सा और फेंकना है, यहाँ तक यहाँ पवन कोड़ रहा है और फिर फेंका जाएगा माटी। और खूब मेहनत कर रहा है यहाँ पे, एकदम सोच रहा है कि मेरा सिक्स पैक आ जाए। और तेज आदर्श, देख लीजिए एक छोटा सा बच्चा कितना मेहनत कर रहा है कुछ पाने के लिए। पूरा थक गए हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं, फिर आराम करने के बाद फिर इसको ढोना है। आप लोगों को तो पता ही है कि थकान हो जाता है काम करने में, तो चल रहे हैं फिर से थोड़ा सा फेंक फेंक लेते हैं, फिर 15-20 मिनट और लगेगा आसपास, फिर करके फिर छुट्टी। काम है वो चालू हो गया है, यहाँ पे इधर उठा रहा है ये, देख सकते हैं कितना काम। तो ये जो माटी है इसी काट काट के सब फेंकना है वहाँ पे। तो गाइस जो हम लोग माटी फेंक रहे थे ये कोचिंग है, ये रही वो जगह जहाँ हम लोगों ने माटी फेंकी थी, यानी कि कोचिंग पूरा एकदम कम्प्लीटली नहीं हुआ है, आधा से थोड़ा सा ही बचा हुआ है, आधा से कम। वो जो उधर दिख रहा है ना वो वही बचा हुआ है, तो वो हम लोग करेंगे अगले दिन क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा थी और हम लोग 7 से स्टार्ट किए 10 तक किए तो भूख भी लग गई, इसलिए फिर हम लोगों ने बंद कर दिया और हम लोग करेंगे अगले संडे को। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपनी टंकी साफ करने और ये जो टंकी है ये है 1000 लीटर की। वैसे तो मैं टंकी सोच रहा था सिंटेक्स की, पर सिंटेक्स की टंकी यहाँ मिल नहीं रही है, और मिल भी रही है तो बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है। तो हम लोगों ने ये टंकी लगवाया है, ये कंपनी कोई है लाइफलाइन का है, लाइफलाइन की टंकी है और इसमें 1000 जो लीटर है वो पानी आ जाता है। तो हमारी जो फैमिली है वो बड़ी है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि 1000 है या नहीं, ये खत्म हो जाता है, हो जाएगा कुछ 4-5 घंटे में एकदम खत्म, क्योंकि नहाना है धोना है बहुत सारी चीजें हैं। तो आप समझ सकते हो कि टंकी का कितना अहम रोल है हमारी जीवन में, अगर टंकी के बिना भी हम मुझे लगता है कि जो जिंदगी है वो अधूरी ही मानी जा सकती है, क्योंकि अगर टंकी नहीं रहेगी तो पानी आप स्टोर कहाँ करोगे और बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो थोड़ा हमको करना है टंकी साफ, तो मिलते हैं अब टंकी के अंदर। भैया टंकी में घुस चुके हैं, घुस चुका हूँ टंकी में, अब टंकी के अंदर का नजारा दिखाएगा पवन आप लोगों को, जा रहा हूँ टंकी के अंदर। देखिए मैं भैया अंदर घुस के टंकी के और आप दिखाऊं नजारा। तो मैं टंकी के अंदर हूँ और देख रहे हैं आप लोग कि कितनी गंदगी है एकदम। आप बताइए, आप ऐसा पानी पीना तो पसंद बिल्कुल नहीं करोगे, तो इसीलिए मैं सोचा कि साफ सफाई भी तो जरूरी है ना, तो टंकी को आप 2 महीने या 1.5 महीने के आसपास जरूर साफ नियमित साफ सफाई करें। देख सकते हैं कितना काला काला एकदम गंदा है, कौन पीना चाहेगा ऐसा पानी, बिल्कुल नहीं पीना चाहेगा कोई भी। वही मैं साफ करने के लिए आया हूँ और इसको अच्छे से रगड़ दिया जाएगा कपड़े से, काला काला यही है और इसको हम लोग कर रहे हैं साफ, मैं कर रहा हूँ साफ इसको अच्छे से। साफ करने में अच्छा ही लग रहा है, ये नहीं क्या करना है, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन एंजॉय भी तो हो जाएगा ना। पेमेंट के लिए मैं ही टंकी साफ करता हूँ, जब मैं नहीं रहूंगा मैं कहीं चला गया हूँगा तो करेगा मेरा छोटा भाई पवन, पर फिलहाल वो तो दिल्ली जा रहा है कल, क्योंकि उसकी कल दिल्ली की टिकट है तो कल जाएगा दिल्ली। हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली 2-1 महीने के लिए, तो मैं वीडियो में नहीं आ सकता हूँ सॉरी, इसलिए क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा काम है वहाँ पर दिल्ली में, तो जा रहे हैं दिल्ली और मैं भैया बस वीडियो बनाएंगे वही और सब वही करेंगे, तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली। जब दिल्ली से आऊंगा तो मैं वीडियो लिखूंगा, इसीलिए मैं कुछ पीने के लिए आपको वीडियो में मैं नहीं लिखूंगा। तो गाइस यहाँ बच्चे लोग देख रहे थे कैसे आज सृष्टि को मार रहा है और देखिए कैसे सृष्टि उसको बच्चे के लिए लड़ रही है, छोटी बच्ची है ना वो, उसी के लिए सृष्टि लड़ रही है। तो आज करा कि नहीं तुम मत करो ऐसे वाला, देखिए कैसे मार रहा है। तो गाइस
ये अच्छे तरीके टंकी साफ हो रहा है और डिब्बा चढ़ा पूरा डिब्बा होगा मतलब इसमें भाई तो कैसे निकालूंगा पानी यार डिब्बा लेगा देखिए भैया हाथ से बल्टी में पानी डाल रहे हैं जिसमें डिब्बा नहीं है इसीलिए डिब्बे चलते सब हो रहा है डिब्बा लगा तो हो जाएगा जल्दी कर भाई भैया ने टंकी अच्छी तरीके से साफ कर दिए और साफ कर बाहर निकलेंगे तब बहुत ज्यादा पसीना होगा उसमें चला 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 बोल दे अब कह रहे हैं मम्मी टंकी चालू कर दो मम्मी टंकी चालू गाइस हम लोग का टंकी अब हमको चालू हुआ दोस्तों देखा आप लोगों ने कि कितनी मेहनत लगी टंकी को साफ करने में तो मैं भी आप लोगों से आग्रह करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अपनी टंकी हो उसको आप नियमित साफ सफाई से रखें नहीं तो इसमें हो जाएगा गंदा और आप फिर गंदा पानी पियोगे आप भी इस चीज का ध्यान रखना जो पानी है वो एंटर हो रहा है इसके अंदर तो वेट करते हैं 10 से 15 मिनट के मिलते हैं पानी भरने के बाद तो ये रही हमारी एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर वाटर और ये हमारी टंकी देख लो आप लोग कितना चमचमा रहा है टंकी पूरा व्हाइट व्हाइट एकदम जैसे न्यू हो जाता है ना न्यू जब टंकी लगता है तो वैसा एकदम कर दिया है मैंने टंकी साफ कर दी थी तो देखा आप लोगों ने कितनी टंकी गंदी थी और हम लोगों ने जब मैंने साफ किया तो एकदम टंकी जो है एकदम चमचमा रहा है तो ये होता है मेहनत का कमाल तो आप जानती हो कि मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा मैंने यहाँ पे मेहनत किया तो टंकी साफ हो गई जो एकदम पूरा काला काला था वेट करते हैं थोड़े देर बस पानी भर रहा है तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे टंकी होने वाली है फुल और बस अब हम लोग यहाँ करते हैं ढक्कन को बंद तो दोस्तों वीडियो बनाने में लगती है मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बताइए क्या करना है ख्याल रखना है तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।